हाई एवरी वन हाउ आर यू आई होप यू आल आर गुड एंड वेल ओके सो लेट्स स्टार्ट विडेज क्वेश्चन विच इज बेज ऑन पेडिगरी सो आर क्वेश्चन इज द पेडिगरी बिलो ट्रैक्स डचने मेस्कुलर डिस्ट्रॉफी डचने मेस्कुलर डिस्ट्रॉफी को हम शॉर्ट में डी एम डी कहते हैं एंड विल स्टडी और ट्रैक दिस डी एम डी थ्रू पेडिग्री चार्ट थ्रू सेवरल जनरेशंस एंड डी एम डी इज एन एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट मीन्स वॉट रेसेसिव मीन्स आपको पता होगा रेसेसिव एंड डोमिनट डोमिनेंट वो ट्रेट होते हैं जो ईजिली हर जनरेशन uh, में प्रजेंट होते हैं ओके बट रेसेसिव नहीं होते हैं जो उसमें फीमेल्स होती हैं जनरली uh, जो एक्स लिंक्ड फीमेल होती हैं एक्स लिंक्ड रेसिसिव ट्रेट के केस में दो इसमें केस में क्या होता है कुछ फीमेल्स कैरियर भी होती हैं ओके okay? तो रेसिसिव ट्रेट वो होता है विच इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस देम ईजिली इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट्स ओके सो एक्स लिंक्ड मीन्स क्या हुआ रेसिसिव ट्रेट तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया वॉट डज इट मीन एक्स लिंक्ड सो लेट मी एक्सप्लेन यू एक्स लिंक्ड मीन्स एनी ट्रेट विच इज़ प्रेजेंट ऑन जीन एंड दैट जीन इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोजोम ओके और इस जीन में किसी भी रीजन से क्या हो जाता है डिफेक्ट हो जाता है एंड दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन ओके एंड म्यूटेशन का रीज़न कुछ भी हो सकता है एंड जब ये डिफेक्ट होता है देन इट कॉजेज अ डिसऑर्डर इसकी वजह से डिसऑर्डर होता है एंड दैट डिसऑर्डर विच इज कॉज ड्यू टू द जीन विच इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोजोम दैट इज कॉल्ड एक्स लिंक्ड ओके सो वॉट डज इट मीन एक्स लिंक ट्रेट द कंडीशन इन विच द डिफेक्टिव जीन दैट कॉज द डिसऑर्डर इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोजोम ओके So, based on this pedigree, we have to tell which of the following is true. Which of the following statements are true or is true? Okay. So, option A is given. Individual 2 1 is carrier for DMD. Individual 2 1. Who is individual 2? This. इंडिविजुअल इज कॉल्ड इंडिविजुअल टू वन ओके क्या है कैरियर है डीएमडी के लिए सो so, ये नहीं हो सकता बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल की दिस

इट मीन्स ही इज हैविंग ओनली वन एक्स इसके पास एक एक्स है और ये कैरियर नहीं हो सकता ही कैन बी आईदर अफेक्टेड और अनअफेक्टेड कैरियर का कोई चांस नहीं है ओके एंड एज दिस बॉक्स इज अनशेडेड इट मीन्स ही इज नॉट अफेक्टेड ओके और इसका जीनोटाइप एक्स एंड वाई होगा एक्स वाई होगा सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट ओके

So individual 2, 4 is this, individual 2, 5 is this. So as we can see this box, this square box and this circle both are shaded, means they are affected. Okay. And this is square box means he is female. Okay. Sorry, he is male. ओके और ये मेल है एफेक्टेड है मीन्स ही इज हैविंग दैट एक्स लिंक डी एम डी ट्रेट ऑन हिज एक्स एल एल ओके एंड इंडिविजुअल टू फाइव इज फीमेल एंड एज दिस सर्कल इज अगेन शेडेड इट मीन्स शी इज ऑल्सो अफेक्टेड ओके अफेक्टेड मीन्स इसका जो नॉर्मल जीनो टाइप होगा दैट विल बी एक्स एंड एक्स एंड शी इज अफेक्टेड मीन्स शी इज कैरिंग this dmd trait on both of his ll okay so this will be the genotype of individual two four and two five. and now we have to tell kin ka fourth child hoga that will be affected with dmd or not so i'll explain you with the, the, by making a punnett square okay so let's make that xd and y xd and xd okay ये हो गया पुनिट स्क्वायर सो व्हाट विल गेट एक्स डी एक्स डी एक्स डी वाई एक्स डी एक्स डी अगेन एंड एक्स डी एंड वाई दिस ऑल्सो अगेन वी आर गेटिंग तो इससे हम क्या देख रहे हैं व्हाट वी कैन सी ओवर हियर कि ऑल हिज ऑप्शनिंग आर ऑल देयर ऑप्शनिंग आर अफेक्ट टेड इनकी जितनी भी ऑप्शनिंग हैं दे आर अफेक्टेड एंड इफ वी टॉक अबाउट देयर फोर्थ चाइल्ड देन दैट इज मेल एंड ही इज ऑल्सो अफेक्टेड मीन्स देयर इज हंड्रेड परसेंट चांस दैट द फोर्थ और फोर्थ चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल टू फोर एंड फाइव विल हैविंग द डीएमडी। ओके सो अगेन दिस ऑप्शन बी इज इन now move on to option c if individual 3-1 marries an unaffected non-carrier female none of their offspring will have dmd means individual 3-1 hai individual 3-1 and ही इज मेल एंड ही इज नॉट अफेक्टेड ओके इसका जीनो टाइप होगा एक्स वाई और अगर इसकी शादी होती है किसी ऐसी फीमेल से जो अनअफेक्टेड है और कैरियर भी नहीं है मीन्स की नॉर्मल फीमेल हु इज नॉट कैरियर और अफेक्टेड विद द डी एम डी तो उसके जितने भी ऑफ स्प्रिंग होंगे दे विल नॉट हैव डी एम डी सो वी कैन से

एज ही इज फी ही इज मेल तो नॉर्मली इसका जीनो टाइप होगा एक्स वाई एंड एज वी कैन सी दिस बॉक्स इज शेडेड मीन्स ही इज अफेक्टेड एंड दिस डी एम डी इज एक्स लिंक्ड एंड ही इज हैविंग ओनली वन एक्स एल एल तो दैट डी एम डी ट्रेड विल भी प्रजेंट ऑन एक्स ओके सो वी विल राइट एक्स सुपरस्क्रिप्ट डी एंड वाई मीन्स ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट Okay, so our question was based on the pedigree, which of the following is true? And our answer will be option C, and option D will be true. Okay, that's it. Thank you.